बीएसपी ने आज पहले चरण के 58 सीटों में से 53 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। आइए जानते हैं किसको किस सीट पर टिकट मिली है। कैराना से राजेंद्र सिंह उपाध्याय को टिकट मिला है, तो वहीं शामली से विजेंद्र मलिक का नाम फाइनल हुआ है। बुढ़ाना सीट से हाजी मोहम्मद अनीश को टिकट दिया गया है। वहीं चरथावल से कांग्रेस छोड़कर आए सलमान सईद बसपा के उम्मीदवार होंगे। पुरकाजी जो कि रिजर्व सीट है, वहां से सुरेंद्र पाल सिंह गौतम अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं मुजफ्फरनगर से पुष्पांकर पाल का नाम तय किया गया है। खतौली सीट से माजिद सिद्दीकी को, मीरापुर से मोहम्मद शालिम को, सिवाल खास से मुकर्रम अली उर्फ नन्ने खां का नाम फाइनल किया गया है। सरधना से संजीव कुमार धामा, हस्तिनापुर जो कि रिजर्व सीट है, वहां से संजीव कुमार जाटव को टिकट दिया गया है। किठोर सीट से कुशल पाल मावी उर्फ केपी मावी को टिकट दिया गया है। वहीं मेरठ कैंट पर अमित शर्मा अपनी किस्मत आजमाएंगे। मेरठ दक्षिण सीट पर कुंवर दिलशाद अली को हाथी का निशान मिला है। वहीं छपरौली सीट से मोहम्मद शाहीन चौधरी को मायावती ने फाइनल किया है। बड़ौद से अंकित शर्मा, लोनी से हाजी अकील चौधरी और मुरादनगर से हाजी अयूब इदरीसी को टिकट दिया गया है। गाजियाबाद से सुरेश बंसल, मोदी नगर से पूनम शर्मा, धोलाना से वासित प्रधान, हापुड़ जो कि रिजर्व सीट है, वहां से मनीष कुमार सिंह उर्फ मोनू का नाम फाइनल किया गया है। गढ़ मुक्तेश्वर सीट पर मोहम्मद आरिफ का नाम तय हुआ है। वहीं नोएडा से कुपा राम शर्मा को टिकट दिया गया है। दादरी से मनवीर सिंह भाटी और जेवर से नरेंद्र भाटी टाडा का नाम तय किया गया है। सिकंदराबाद सीट पर चौधरी मनवीर सिंह किस्मत आजमाएंगे, तो सयाना में सुनील भारद्वाज हाथी के निशान से चुनाव लड़ेंगे। अनूप शहर में रामेश्वर सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। वहीं डिबाई से करण पाल सिंह उर्फ केपी सिंह को टिकट दिया गया है। शिकारपुर सीट से मोहम्मद रफीक उर्फ फड्डा बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। वहीं खुर्जा जो कि रिजर्व सीट है, वहां से विनोद कुमार जाटव का नाम तय किया गया है। खैर भी रिजर्व सीट है और वहां से प्रेम पाल सिंह जाटव बसपा के उम्मीदवार होंगे। बरौली सीट पर मायावती ने नरेंद्र शर्मा पर भरोसा किया है। वहीं अतरौली सीट पर ओमवीर सिंह का नाम तय हुआ है। छर्रा सीट से तिलक राज यादव और कोल सीट से मोहम्मद बिलाल को बीएसपी ने अपना दावेदार बनाया है। वहीं अलीगढ़ सीट पर रजिया खान बीएसपी के निशान से चुनाव लड़ेंगी। इगलास जो कि रिजर्व सीट है, वहां से सुशील कुमार जाटव को बसपा ने दावेदार बनाया है। छाता सीट पर सोनपाल सिंह का नाम तय किया गया है। मांड सीट पर श्याम सुंदर शर्मा, गोवर्धन पर राजकुमार रावत और मथुरा से जगजीत चौधरी बसपा के निशान पर लड़ेंगे। बलदेव जो कि रिजर्व सीट है, वहां से अशोक कुमार सुमन बसपा के हाथी निशान पर चुनाव लड़ेंगे। एतमादपुर से सर्वेश बघेल को टिकट दिया गया है। आगरा कैंट जो कि रिजर्व सीट है, वहां से भारतेंद्र अरुण को टिकट दिया गया है। आगरा दक्षिणी सीट से रवि भारद्वाज का नाम तय किया गया है। वहीं आगरा उत्तरी सीट से मुरारी लाल गोयल को बीएसपी ने टिकट दिया है। आगरा देहात जो कि रिजर्व सीट है, वहां से किरण प्रभा केसरी का नाम तय किया गया है। वहीं फतेहपुर सीकरी सीट से डॉक्टर मुकेश कुमार राजपूत चुनाव लड़ेंगे। खेरागढ़ सीट से गंगाधर सिंह कुशवाहा को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं फतेहाबाद से शैलेंद्र प्रताप सिंह उर्फ शैलू को दावेदार बनाया गया है। बांस सीट पर नितिन वर्मा पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भरोसा किया है। तो ये थी बसपा के 58 में से 53 उम्मीदवारों की लिस्ट। बसपा और यूपी चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।